हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर बात करें गाड़ियों के मेंटेनेंस की, तो गाड़ी कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, कितनी भी महंगी हो, तो गाड़ी को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। बात करेंगे सोनेट के मेंटेनेंस की और राइवल्स की, जो इससे भी कम मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में। किया सोनेट के साथ आपको 3 लेबर फ्री सर्विसेज मिलती है, जो कि है 1000 किलोमीटर्स या 1 महीने के अंदर, या दूसरी वाली है 5000 किलोमीटर्स या 6 महीने के अंदर, और थर्ड वाली है 10000 किलोमीटर्स या 1 साल के अंदर। अगर बात करें इसके डीजल इंजन की, तो आप इस पर 5 सालों में लगभग 22 से 25 हज़ार रुपये खर्च कर लेते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ पार्ट्स। सिर्फ सर्विसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो एक ठीक ठाक मेंटेनेंस माना जाएगा एक डीजल कार का, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से। लेकिन और एक गाड़ी है जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट इससे भी सस्ता है और जो इससे भी कम मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। वो कहते हैं ना, एवरीवन इज़ अ किंग अंटिल रियल किंग इज़ अराइव, वैसा ही है इस गाड़ी के बारे में, जो कि है ह्यूंडई वेन्यू। इस गाड़ी का मेंटेनेंस डीजल इंजन में सबसे कम माना जाता है, इसलिए ये सबसे किफ़ायती गाड़ी है मेंटेनेंस के मामले। ह्यूंडई वेन्यू में आपको 3 लेबर फ्री सर्विसेज मिलती है, जो कि आपकी पहली आती है 1500 किलोमीटर या 1 महीने में, और दूसरी आपकी 10000 किलोमीटर या 1 साल में, और तीसरी आती है 20000 किलोमीटर या 1 साल में। जो वेन्यू के डीजल वेरियंट में आप 5 सालों में लगभग 20000 से 23000 तक खर्च कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया मेंटेनेंस माना जाएगा इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से। इसलिए अगर बात करें डीजल की, तो ह्यूंडई वेन्यू सबसे ऊपर टॉप पे आ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों ही गाड़ियों में एग्जैक्ट सेम इंजन आता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट में इतना डिफरेंस क्यों? तो इसमें काम आता है ह्यूंडई का बड़ा सर्विस नेटवर्क और उनकी सर्विस क्वालिटी। अगर बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल में भी ह्यूंडई वेन्यू का मेंटेनेंस सबसे सस्ता है, जो कि है 18000 से 20000 के बीच में आपका मेंटेनेंस हो जाता है गाड़ी का 5 सालों में। एक ज़माना था जब मारुति की गाड़ियाँ, चाहे बात करें माइलेज की या मेंटेनेंस की, सबसे ऊपर रहा करती थी, लेकिन वो चीज़ अभी बदल गई है। ह्यूंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों ने इन मारुति को पछाड़ दिया है। लेकिन अगर आप एंथुजियास्ट किस्म के ड्राइवर हो और अगर आप ऐसे कुछ टर्न्स ट्राई करेंगे, तो आपकी गाड़ी चाहे हो वेन्यू या सोनेट, मेंटेनेंस देगी ही देगी। तो बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। एक और गाड़ी के बारे में मेंशन करना चाहूँगा, जो कि पेट्रोल में सबसे कम मेंटेनेंस रखती है, जो कि निसान की मैग्नाइट, जिसने निसान की डूबती हुई नैया को थामे रखा है। और ये गाड़ी मेंटेनेंस के मामले में पेट्रोल में सबसे कम आती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।